प्रियंका चाहर चौधरी द एक्चुअल रियल विनर ऑफ बिग बॉस 16। फाइनली प्रियंका चाहर चौधरी और उनकी एक्टिंग से ही प्रभावित होकर एकता कपूर जी ने बोल डाला, आप हैं नागिन साथ। आप देख रहे हैं चैनल टेली खजाना। प्रियंका फैंस के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं, फटाफट यारो मेरा दूसरा नया चैनल आ चुका है राहुल बोच कॉमेडी। कॉमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दिया है यारो, जाओ जाके अपना ढेर सारा प्यार बरसाओ। भोले बाबा का सावन चल रहा है और ऐसे में नागिन सात की चारों तरफ गूंज है दोस्तों। जी हाँ, नागिन सात की चारों तरफ गूंज है और इसके चलते अब ई टाइम्स की रिपोर्ट आ चुकी है और ये कंफर्म रिपोर्ट आ गई है कि प्रियंका चाहर चौधरी ही नागिन सात बनकर आ रही है। रिसेंटली नागिन सिक्स जो है खत्म हुआ है, हम सबको पता है, जहां पे तेजस्वी का किरदार जो है शेषनाग के साथ जो है वापस चले जाता है पाताल लोक, और हम लोगों ने वो देखा, एंजॉय किया, टीआरपी भी उसको बहुत अच्छी आई। लेकिन अब जो टीआरपी आएगी दोस्तों वो छप्पर फाड़ टीआरपी आएगी, क्योंकि इसमें है बाप एक्ट्रेस, बोले तो प्रियंका चाहर चौधरी। प्रियंका चाहर चौधरी की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है और प्लस प्रियंका जितना रियलिटी शो में जबरदस्त कर आई हैं उतनी ही अच्छी वो एक्टिंग भी करती हैं। उडारियां के लिए उनको काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं, साथ ही साथ अभी उनकी जो बारिश वाला बारिश आ गई है तू भी आ भी जा समथिंग जो गाना आया था दोस्तों, उसके लिए भी प्रियंका को काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिली है और प्रियंका को लोग जो है और देखना चाहते हैं। मैंने आपको बोला था कि प्रियंका कुछ ना कुछ तैयारी तो कर रही है और उसका कुछ बवाल आएगा, और ऐसे में दोस्तों प्रोमो जो आप देख रहे हैं उसी से ही खैर पता चल रहा था कि वो प्रियंका की ही बॉडी है पीछे से। लेकिन अब कंफर्म खबर आई है ई टाइम्स की कि प्रियंका चाहर चौधरी को मेन हीरोइन यानी कि मेन नागिन बना के प्रस्तुत करी है एकता कपूर। और इसके साथ साथ क्या पता है आपको नाग कौन बनकर आ रहा है? नाग आ रहे हैं बिग बॉस 15 के फर्स्ट रनर अप यानी कि प्रतीक सहजपाल। प्रतीक अभी रिसेंटली भी आए थे दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो नागिन में आए थे और सिम्बा वाले उसमें उनकी एंट्री हुई थी, और प्रतीक को कहीं ना कहीं लोगों ने कहा था कि यार थोड़ा सा इनको एक्टिंग की जरूरत और है, निखार और है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि कुछ कड़ी को ज्वाइन करके इन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है, क्योंकि हर एक नागिन एक दूसरे से कहीं ना कहीं वे में कनेक्टेड होती है। अब ये शेष नागिन थी पिछली नागिन, अब ये कौन सी नागिन होगी, शिववरदानी कौन सी होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सो प्रियंका को नागिन देखने के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं मुझे जरूर बताइएगा, और प्रियंका की एक्टिंग के बारे में क्या है कहना ये भी बताइएगा। वैसे दोस्तों आपको बता दूं तो जहां तक इसके इंटरनल बातें मुझे पता चलती वो ये थी कि इनफैक्ट इंटरनल बात ये आई थी कि नागिन को पूरी तरीके से अलग किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, बाकी वाले नागिनों से कॉन्टैक्ट मतलब जो है सिमिलैरिटीज नहीं होंगी। अब देखते हैं कि ये फ्रेशली नागिन क्या करती है, क्या बवाल मचाती है। आई एम वेरी एक्साइटेड यार, जैसी बात मुझे पता चली मैंने कहा तुरंत आपको वीडियो बना के इस बारे में इत्तला करूं। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।